मेनपुरी से डिंपल यादव ने पर्चा भरा तो कोशिश यही दिखाने की हुई कि पूरा परिवार अब साथ है। नामांकन के वक्त अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव डिंपल के साथ खड़े दिखाई दिए। डिंपल सैफई के घर से निकलने के बाद ही अपने पैतृक मंदिर में पूजा अर्चना के लिए भी पहुंची थी और नामांकन के बाद उन्होंने जीत का दम भर दिया। मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि रही है, आपको लगता है कि उसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा? कर्मभूमि रही है और हमेशा रहेगी मेनपुरी, और मैं समझती हूँ इसका इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि नेताजी ने, आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष जी ने हमेशा ये चाहा है कि इस क्षेत्र का विकास कैसे हो। तो मैं समझती हूँ लोगों को इस बात का एहसास है और यहाँ के लोग हमसे पारिवारिक संबंधों की तरह जुड़े हुए हैं। मजेदार बात ये कि ना तो तो हम सब समझ ही रहे हैं कि किसका साथ दे रही है और किसको हराने के लिए काम कर रही है, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। मेनपुरी सीट समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट है और यहां चुनाव के मुद्दे नहीं बल्कि विरासत की गारंटी हावी है। समाजवादी पार्टी की जुबां पर मुलायम सिंह यादव और उनकी सियासत है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नाम के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, लेकिन जीतने के लिए उनके पास अलग ही फंडा है। डिंपल यादव मुलायम सिंह यादव की याद दिलाकर लोगों से वोट मांग रही हैं, तो बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह मोदी की गारंटी को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि मोदी की गारंटी पर इस बार लोग मेनपुरी में भी भरोसा करेंगे। मेनपुरी लोकसभा सीट को समाजवादी पार्टी के गढ़ के रूप में जाना जाता है। समाजवादी पार्टी के लिए ये सीट बेहद खास है क्योंकि साल 1996 के बाद से मेनपुरी में लगातार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ही जीतते आ रहे हैं। इस सीट से 3 बार मुलायम सिंह यादव ने चुनाव जीता और उनके सीट छोड़ने पर हुए 2 बार उपचुनाव में 1 बार उनके भतीजे धर्मेंद्र यादव और 1 बार उनके पौत्र तेज प्रताप यादव ने जीत हासिल की। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव फिर से मेनपुरी से सांसद चुने गए, हालांकि इसके बाद मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया, जिसके बाद हुए उपचुनाव में उनकी बहू डिंपल यादव यहां से सांसद चुनी गई, लेकिन इस सीट पर उनकी दावेदारी को सुनिश्चित करने के लिए पिछले कुछ समय में बीजेपी ने कड़ी मेहनत की है। मेनपुरी में तीसरे चरण में 7 मई को वोट डाले जाएंगे। चुनाव आज तक।